नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है नवनीत राणा को लेकर। नवनीत राणा जो कि हाल फिलहाल में भी जेल में बंद है हनुमान चालीसा विवाद को लेकर, राज ठाकरे ने जो बयान दिया उसके चलते नवनीत राणा जो कि उद्धव ठाकरे के मातोश्री के आगे, उनके आवास के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगी, इसके बाद उन पर देशद्रोह जैसे इल्जाम भी लगते नजर आए जिसके चलते वो फिलहाल जेल में ही है। तो इस बीच यहाँ पर एक से एक बड़े खुलासे नवनीत राणा को होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर एक और बड़ा खुलासा जो होने जा रहा है वो 80 लाख के लेन देन पर एक बड़ा खुलासा नवनीत राणा को लेकर हो रहा है। दरअसल बात करिए तो नवनीत को और राणा के सामने में अब डी गैंग की एंट्री हो गई है। तो सेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि नवनीत राणा ने दाऊद के करीबी यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था। यूसुफ लकड़ावाला पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था और ईडी ने इनसे गिरफ्तार किया था। संजय राउत ने इस मामले में एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और सबूत भी पेश करते हुए भाजपा नेताओं से सवाल पूछा है। इससे पहले हनुमान चालीसा विवाद में न्यायिक हिरासत में चल रही अमरावती की सांसद नवनीत राणा के आरोप पर मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने वीडियो जारी कर इस बात का खंडन किया है और इनके साथ पुलिस हिरासत में किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार किया गया। दूसरी ओर सत्र न्यायालय ने मुंबई पुलिस से राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि शनिवार को पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, लेकिन इसी के चलते एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसमें वो चाय पीती नजर आए और उस तरीके के आरोपों में अब घिरती नजर आ रही है नवनीत राणा। तो आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।